नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्ता, आप देख रहे हैं टेक्यू टाइम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल की डाटा टैब के बारे में। डाटा टैब एक्चुअली किस लिए कि आपके जितने भी ये इस एक्सेल में डाटा है, इन डाटा के ऊपर कोई भी आपको कंडीशन लगानी है, कोई भी वैलिडेशन लगाना है, कोई डाटा आपको यहाँ पे लेके आना है, यहाँ से कोई डाटा बाहर एक्सपोर्ट करना है तो, या इस डाटा पे कोई क्यूरी चलानी है, ये सारी चीजें किसमें होती है, इस डाटा टाइप के अंदर टूल्स जो मिलते हैं उनकी मदद से आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट एक्सटर्नल डाटा में क्या है। यहाँ पे क्या, आप जब भी कोई आपके पास में कोई डाटा मान लीजिए पहले का है, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई आपके पास में पुराना डाटा है, उस डाटा को आप अब इस एक्सेल में यूज करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम एक्सेस है, फ्रॉम वेब है, फ्रॉम टेक्स्ट है, फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, और ये सारी चीजें। फ्रॉम टेक्स्ट मतलब नोटपैड में यदि आपके पास में सीएसवी फॉर्मेट में यदि है आपका डाटा, तो उस डाटा को आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, या आपके पास में नोटपैड में डायरेक्ट टाइप डाटा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम वेब का मतलब क्या है, मान लीजिए कि जैसे हमने पिछले एग्जांपल में बात की थी कि कोई ट्रेडिंग वेबसाइट है या कोई शेयर मार्केट की वेबसाइट है और उस पर शेयर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और उसके डाटा को आपको यहाँ पे लाइव दिखाना है कि जैसा वहां पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको मुझे एक्सेल में भी इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए, तो उस वाले डाटा को आप कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फ्रॉम वेब से डाटा लेके आते हैं। तो फ्रॉम वेब से डाटा जो लेके आते हैं उसके एक बार एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे मैं नई एक सीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एक्सेस वगैरह से इंपोर्ट करना है, तो आप एक बार पहले एक्सेस से देख लेते हैं फ्रॉम एक्सेस कैसे डाटा इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने फ्रॉम एक्सेस क्लिक किया है और यहाँ पे कोई एक एक्सेस की टेबल होनी चाहिए हमारे पास में, तो हमारे पास में यहाँ पे एक एक्सेस का डाटा है जिसमें एड्रेस की बात की थी हमने, जो मेल मर्ज में जो एड्रेस क्रिएट किए थे वो है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आ गया, आपको टेबल इंसर्ट करनी है, यस टेबल इंसर्ट करनी है, किस वर्कशीट में करनी है, इसी वर्कशीट में करनी है या नई वर्कशीट में, इसी वर्कशीट में करनी है, ओके क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका डाटा आ गया। यही डाटा था जो हमारे मेल मर्ज में वर्ड वाली जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने जो मेल मर्ज में डाटा टाइप किया था वो डाटा यहाँ पे हमारा आ गया। अब बात करते हैं सेम यहीं पे आपको वेब से कैसे आप डाटा लेके आएंगे। यहाँ पे फ्रॉम वेब क्लिक किया मैंने, अब वेब में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वेबसाइट टाइप करनी पड़ेगी कि कौन सी वेबसाइट है आपकी जिसमें आप क्या करते हैं डाटा लेना है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे कनेक्ट होने चाहिए, इसके लिए इस फंक्शन के लिए आपको क्या होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, तो हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। ये जो विंडो ये कोई ब्राउजर नहीं है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ब्राउजर नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप क्रोम या इसमें खोल रहे हैं, ये इसी का वेब क्यूरी विंडो है एक, जो किसका, एक्सेल का ही। तो इसमें आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दीजिए, जिस भी वेबसाइट से आपको क्या चाहिए डाटा चाहिए, तो हम अपनी ही वेबसाइट का कोई डाटा ले लेंगे। ओके, गो पे क्लिक करिए। यदि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपकी वेबसाइट यहां से ओपन होके आ जाएगी। उस वेबसाइट के पोर्शन में जहां जहां डाटा है आपका, बहुत सारा डाटा होगा, एक वेबसाइट में बहुत सारा डाटा होता है, वो जो भी डाटा आपका है उस वेबसाइट में डाटा, वो सारा क्या है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि डाटा कहाँ पे है, डाटा तो आया नहीं है, तो डाटा क्या है, जब भी आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक एरो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्लिक टू सेलेक्ट एंटायर पेज, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, कौन सी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे टेबल में नहीं है डाटा, इसलिए क्या हम एंटायर पेज को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे चेक का आइकन आ जाता है, अब क्या करना है आपको, इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब इम्पोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि कहाँ पे इसको डाटा को आपको पेस्ट करना है, जो वेबसाइट से जो डाटा आ रहा है वो। हम इसको इसी वर्कशीट में पेस्ट करते हैं, थोड़ा आपको ये इसी वर्कशीट में दिखाएंगे, नई वर्कशीट आप खोलेंगे तो फिर ज्यादा। यहाँ पे देखिए आ रहा है अभी गेटिंग डाटा, अभी और डाटा आ रहा है, जितना डाटा वेबसाइट पे होगा, जो मतलब डाटा है वो डाटा आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब वेबसाइट पे बहुत सारा डाटा आएगा, कोर्सेज के नाम होंगे, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम हैं होंगे, जो कंटेंट है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था पहले वो बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे जितने यूजर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जैसे ये 13,715, ये जो यूजर हैं जो अभी इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया इस वेबसाइट पे, उनकी नंबर्स हैं। तो ऐसा कोई भी जो वेबसाइट का डाटा होता है कई बार आपको चाहिए होता है, तो मुझे मान लीजिए मैं अपनी एक डाटा बना रहा हूँ, उसमें दिखा रहा हूँ कि मेरे जो वेबसाइट पे अभी करंट में यूजर इतने हैं, तो बार बार वेबसाइट पे डाटा जो अपडेट हो रहा है वो डाटा आप यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, उसके लिए ये एग्जाम्पल है। तो अब आप यहाँ पे ये अभी अपडेट नहीं होगा, मान लीजिए मैंने वहां से जो डाटा था वो तो लेके आ गया, अब इस मुझे क्या करना है, उस वेबसाइट के साथ में इसको लिंकअप करना है कि जैसे ही वहां पे वेबसाइट पे डाटा अपडेट हो और यहाँ पे भी डाटा मेरा अपडेट मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टीज पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन
ग्रुप में प्रॉपर्टीज आ रहा है। यदि आप किसी और कॉलम पे करेंगे तब प्रॉपर्टीज नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे कोई डाटा है ही नहीं। यहाँ पे इस डाटा है, ये कनेक्शन का डाटा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रहा है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है रिफ्रेश एवरी। कितने मिनट में आपको ये रिफ्रेश करना है, तो आपको यदि 5-1 मिनट में रिफ्रेश करना है तो 1 मिनट कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। तो 1 मिनट बाद में ये दोबारा से उसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालेगा, उस वेबसाइट पे यदि डाटा अपडेट होगा तो फिर ये आपको यहाँ पे डाटा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस 1 मिनट को हम वेस्ट नहीं करते, तब तक हम बाकी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे डाटा बहुत सारा आ रहा है, ये डाटा की हमें जरूरत है नहीं, बाद में इसको हम हटा देंगे, लेकिन हमें डाटा क्या चाहिए था, ये वाला डाटा आपको चाहिए था, ठीक है। ये डाटा जब ये दोबारा रिफ्रेश करेगा तो क्या होगा कि यहाँ जो ये बार है यहाँ पे आपको दिखाएगा, जैसे गेटिंग डाटा अभी दिखा रहा था, तो दोबारा से ये उस वेबसाइट पे दिखाएगा कि इस वेबसाइट से डाटा अभी लिया जा रहा है। तो तब तक हम देख लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पे देखिए न्यू क्यूरी है, आपको कौन सी क्यूरी करनी है, यदि आपके पास में कोई फाइल है, कोई डाटाबेस है जहां से आपको क्यूरी करके डाटा निकालना है। ये क्यूरी वाला जो कंसेप्ट है ये शायद जिन लोगों को नहीं पता उनको समझ में आ जाएगा जब एक्सेस में अपन चलेंगे, जब एक्सेस में अपन डाटा वो करेंगे इंपोर्ट करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यूरी कैसे काम करती है। क्यूरी का मतलब आपके पास में कोई डाटा है और उस डाटा से आप स्पेसिफिक चीज पूछना चाह रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। जैसे हमारे पास में ये मार्कशीट थी, तो अब ये मार्कशीट का जो डाटा है वो डाटा में से मुझे सिर्फ फेल फेल के लोगों के रिकॉर्ड चाहिए, तो वो क्यूरी होगी, मेरी क्यूरी होगी कि वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूरी चला रहा हूँ। तो ऐसे आप बहुत सारी क्यूरी चला सकते हैं, फाइल से चला सकते हैं, डाटाबेस से चला सकते हैं, अजोर से ऑनलाइन जो आपका पोर्टल है उससे कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई और सर्विस है तो उससे भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो जैसा आपका डाटा है वैसे आप कर सकते हैं। तो ये जो क्यूरी वाला कंसेप्ट है ये आप एक्सेस के साथ जब हम चलेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक्सेस से डाटाबेस से हम क्या करेंगे, क्यूरी कर लेंगे। यदि अभी आपको करके देखनी है तो आप यहाँ पे एक बार खुद करके देखिए, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताइएगा, ओके। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कनेक्शन के बारे में। जो अभी जैसे कनेक्शन एक हमारा कनेक्शन है कि कौन सा कनेक्शन है, तो उसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से देख सकते हैं। एड्रेस वाले कनेक्शन जो मैंने एक्सेल जो अपन ने यहाँ पे सब पहले ये टेबल इंपोर्ट की थी हमने एक्सेस से, ये वाले टेबल किससे है, ये वाला कनेक्शन है, और दूसरा ये जो कनेक्शन है कौन सा है, ये जो अभी हमने वेबसाइट से डाटा लिया ये। तो ये सारे क्या है यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि कौन कौन से कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यदि कोई कनेक्शन को रिमूव करना है, कोई ऐड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद में यहाँ पे सोर्ट का ऑप्शन आता है कि सोर्टिंग यदि आपको करनी है, फिल्टर यदि करना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा टूल्स ग्रुप। डाटा टूल्स ग्रुप में क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कई बार जब हम जैसे ये मार्कशीट है मेरी, मान लीजिए ये मार्कशीट है और मैं यहाँ पे चाह रहा था कि ये जो कॉलम है नेम वाला कॉलम है इसमें नंबर आए ही नहीं, मतलब नंबर आप टाइप ही नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई टाइपिंग कर रहा हो, उसके मिस्टेक से कोई चीजें ऐसी टाइप हो गई जो यहाँ पे नहीं चाहिए थी, जैसे यहाँ पे नंबर चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट आपको चाहिए ही नहीं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं, डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। उस टाइम आपको ये चीज की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, डेसिमल चाहिए, ये क्या क्या चीजें चाहिए आपको, यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है। मुझे नंबर चाहिए, कितने से कितने बीच के नंबर चाहिए आपको, डाटा क्या चाहिए, ऐसा कुछ है क्या जो आपको चाहिए, या आपको डेसिमल चाहिए, तो वो सारी चीजें आप क्या करते हैं यहाँ पे इग्नोर, ब्लैंक, ब्लैंक को इग्नोर करना है या नहीं करना है, ये चेक अनचेक यहाँ पे कर सकते हैं। इनपुट मैसेज में क्या आना चाहिए, ठीक है, और एरर अलर्ट में क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम आपको क्या करना होगा, देना होगा डेसिमल, मिनिमम और मैक्सिमम क्या सकता हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। और यदि ये नहीं टाइप कर रहा है कोई, तब क्या आना चाहिए, तो टाइटल यहाँ पे आप लिख देते हैं एरर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज, एक मिनट, इनपुट एक्सेप्ट रेंज, ओके 0 to 100। ये एरर शो करेगा यदि कोई और कोई चीज मैसेज यहाँ पे शो करेगा, और एरर अलर्ट में क्या करता है, स्टॉप कर देगा यदि कोई एरर आ जाएगा तो, या वार्निंग देनी या क्या देना है। तो जब भी कोई एरर दे रहा है, मतलब कोई डाटा मान लीजिए यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा है, तब आपको क्या देना है, यहाँ पे वार्निंग देते हैं, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100, ओके ये हो गया इसका वैलिडेशन। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है इनपुट एक्सेप्ट रेंज, ये क्या लगाया था हमने, ये मैसेज लगाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप यदि टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे अब टेक्स्ट टाइप करेंगे आप, तो टेक्स्ट ये लेगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है,
ओके किया। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, लिख देता हूँ, क्या आ रहा है यहाँ पे, होल्ड ऑन, यही लिखा था हमने, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 100। तो ऐसे क्या करते हैं आप, वैलिडेशन लगाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल में, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो कॉलम है उन पे वैलिडेशन लगाएं। और कोई एक एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें मैं एक पूरी आपको वर्कशीट दिखाऊंगा जिसमें प्रैक्टिकली जो कहीं कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है उसमें कैसे कैसे कौन कौन से, मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टाइप में है वो, कि वो पूरा सॉफ्टवेयर है तो उसमें वैलिडेशन कहाँ लगे हुए हैं, जो यूजर जो डाटा एंट्री कर रहा है वो डुप्लीकेट डाटा एंट्री नहीं कर सकता, वैलिडेशन वाले जो कॉलम है उसमें जो डाटा टाइप लिया हुआ है वही डाटा वो लगा सकता है, ये सारी चीजें उसमें क्या है आपको मिल जाएंगे। ओके तो वैलिडेशन आप एक बार लगा के देखना पूरे कॉलम पे कि इस कॉलम में ये वैल्यू आनी चाहिए, इस कॉलम में ये वैल्यू आनी चाहिए और ये सारी चीजें। उसके बाद में यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस है, ये आप यूज कर सकते हैं। फोरकास्ट सीट, मतलब आप पहले से इस सीट का, मतलब जैसे कई बार सेल की जो डाटा होता है जैसे इस मंथ में इतनी सैलरी, इस मंथ में इतनी, इस मंथ में इतनी, इस मंथ में इतनी, तो उसमें आप एनालिसिस लगाते हैं कि यदि जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू यदि मैं इतनी कर दूं, मान लीजिए कि जो एनालिसिस है जैसे एक प्रोडक्ट की वैल्यू है 500 रुपये और अब उसकी कंज्यूम हो रही है मंथ में, उसको 1000 लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन अगले मंथ में उसकी वैल्यू हमने की 510 रुपये, तब उस प्रोडक्ट को परचेज किया 900 लोगों ने, तो ये एक प्रेडिक्शन हो जाता है कि यदि आप 10 रुपये वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है 100 लोग घट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जो प्रेडिक्शन होती है तो उससे क्या करते हैं फोरकास्ट कैलकुलेशन होती है, तो वो फोरकास्ट कैलकुलेशन आप इस एक्सेल में कर सकते हैं। ये फोरकास्ट कैलकुलेशन हम एक कोई मतलब कॉमर्शियल एक एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप आपको करना है तो यदि ये आप कर सकते हैं। अब जो हमने बात देख रहे थे कि वो हमने जो डाटा लिया था उसको हम एक बार देख लेते कि क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ यूजर्स बढ़े हैं क्या, जितनी देर हमने ये वीडियो में बात की उसमें कुछ यूजर्स बढ़े हैं क्या, 13,715 ही है, तो ये जो यूजर हैं वो अपडेट नहीं हो रहे, जब मतलब यूजर बढ़ नहीं रहे, जैसे ही कोई यूजर बढ़ेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी दिखाएगा कि इतने यूजर इतनी देर में बढ़े हैं। ओके तो इस वीडियो में इतना ही था और बाकी यहाँ पे फिल्टर्स और एडवांस में जो बात थी वो हमने बात पहले भी कर ली थी। देखिए यहाँ पे अभी आ रहा है रनिंग बैकग्राउंड क्यूरी, ये बैकग्राउंड क्यूरी चल रही है, मतलब वेबसाइट पे से डाटा ये लेने की कोशिश कर रहा है और वहां से डाटा आ रहा है, यहाँ पे डाटा यदि कोई चेंजेस होगा तो डाटा यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो वही डाटा है अभी, तो अभी चेंजेस नहीं हो रहा है, यूजर नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, जब यूजर नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे तो आपको डाटा यहाँ पे दिखाई देगा। ओके तो ये था कि पूरा डाटा टैब में क्या है और कैसे आप इसको यूज करते हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे रिव्यू टैब के बारे में। थैंक यू।